सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक जो है आपको दिख रहा होगा, सेमीकंडक्टर इंटरफेस, है ना। तो वीडियो में बने रहने से पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। पूरा देखेंगे तभी जो है आपको समझ में आएगा। और चलते हैं टॉपिक की ओर, है ना। तो सेमीकंडक्टर होता क्या है, अर्धचालक इसको कहते हैं हिंदी में। ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, मतलब बिजली प्रवाह करने की जो क्षमता होती है वो मेटल से कम होती है, है ना। मेटल में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है, अच्छे कंडक्टेंस होते हैं वो। तो हम जानते हैं कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिक का एक गुड कंडक्टर होता है। तथा उपधातु में जब कंडक्टेंस जब देखा जाता है, तो उपधातु या नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का काम नहीं करते, ठीक है। मतलब क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नहीं हो पाते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो मेटल्स की पूरी सीरीज है डी ब्लॉक की, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टेंस होते हैं। और वही अगर पी ब्लॉक में कुछ बात करें, जैसे कि फॉस्फोरस, सिलिका, है ना, आर्सेनिक, जर्मेनियम इत्यादि, तो ये सब क्या होंगे, सेमी मेटल या उपधातु में आते हैं। अब इनको चालक बनाने के लिए क्या करते हैं कि उससे डिफरेंट वैलेंसी वाले उपधातु को मिला देते हैं, या फिर कोई धातु को मिला देते हैं जो उससे डिफरेंट वैलेंसी वाले होते हैं, तो उनको थोड़ा सा चालक बनाया जा सकता है, ठीक है। यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है, तथा जो बनने वाला मटेरियल होता है वो सेमी कंडक्टर कहलाता है। सेमी कंडक्टर मतलब आधा चालक, जो जिसमें करेंट का आधा फ्लो हो, ठीक है। अब ये बनाते क्यों हैं, इसका यूज़ है, वाइड यूज़ है, रेडियो, टीवी, है ना, मोबाइल सर्किट, बहुत सारे सर्किट ऐसे हैं जिसमें सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। और ये साइज में छोटे होते हैं तो इसको यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो डोपिंग को भी हम समझ लेते हैं कि डोपिंग क्या होता है। जैसे ग्रुप फोर ए में जो आपके कार्बन फैमिली वाले जो एलिमेंट हैं उनकी बैलेंसी होती है चार, ठीक है। अब चार वाली बैलेंसी में मान के चलो हम तीन बैलेंसी वाले या पांच बैलेंसी वाले उपधातु को मिला दें, तो क्या होगा, उसके आधार पर सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, मान के चलो यहाँ हमने सिलिका ले लिया, ठीक है। सिलिका की जो वैलेंसी होती है वो चार होती है कार्बन के जैसे, मतलब वो चार बंद बना सकता है, ठीक है। चार बंद यहाँ पे क्या कर सकता है, बना सकता है। और सभी बंद में क्या होंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर उसी में हम आर्सेनिक मिला दें जो कि 15th या 5th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, इसकी बैलेंसी क्या होगी, पांच। इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पांच, ठीक है। पांच इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक दो तीन चार तो क्या किए, साझेदारी कर लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा रह जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आपको मिलता है यहाँ पे, तो ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, है ना। अब आर्सेनिक केवल एक ही जगह बॉन्ड किया, ऐसा तो हो नहीं सकता, यहाँ बहुत सारे आर्सेनिक आके अलग अलग जगह पे क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। चारों तरफ क्या होंगे, सिलिका सिलिका, बीच में क्या होगा, आर्सेनिक, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें अधिकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। यहाँ पे जब करंट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो कराने का काम करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। फोर्थ ग्रुप में थर्ड ग्रुप के नॉन मेटल को डाला जाता है, या फिर सेमी मेटल को डाला जाता है। तो यहाँ पे हम मान के चलिए एलुमिनियम ले लिए, एलुमिनियम की जगह पे हम गैलियम भी ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, गैलियम भी ले सकते हैं, सॉरी ये लिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एलुमिनियम की वैलेंसी तीन होती है, तीन जगह ये बॉन्ड बना लेता है बंद, ठीक है। लेकिन जो चौथा सिलिका होता है उसके साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन इधर देता है, एक क्या हो जाता है, यहाँ पे होल बच जाता है, खाली जगह बच जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का काम करेगा वो कौन करेगा, होल करेगा, ठीक है। यहाँ के बंद वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करेंगे तो यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करते जाएंगे, होल इधर इधर मूव करते जाएगा, ठीक है। यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, ठीक है। तो ये जो,
अब एन टाइप और पी टाइप का जो हमको सेमीकंडक्टर मिला है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है, जंक्शन कराना है। जब हम इसको जोड़ते हैं तब क्या होता है, देखो इधर क्या है, पी टाइप में मैंने यहाँ गोला गोला बनाया है, होल बना दिया, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया है, इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। तो क्या होता है, जहाँ पे ज्वाइनिंग होती है उस जगह के होल और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ का इंटरफेस होगा वो बाकी इंटरफेस से अलग ही होगा, ठीक है, और ये जो एरिया बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग एरिया बन जाएगा, ठीक है। मतलब इधर के इलेक्ट्रॉन अलग, इधर के होल अलग हो जाएंगे। अगर ये ऐसा एरिया नहीं बनाता, ब्लॉक नहीं करता यहाँ को, तो ये आपस में फ्यूज हो जाते, तब ये हमारा सेमीकंडक्टर बन ही नहीं पाता, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बनने के लिए यहाँ पे क्या बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर मूव नहीं कर पाते, इधर से इधर मूव नहीं कर पाते। मूव कब करेंगे, जब हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मान के चलो इलेक्ट्रॉन या चार्ज देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेंगे, ठीक है। जैसे इधर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल आ जाएगा। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होने लगेगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या होगा, होल जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। होल ये तो काफी बड़ा होगा, है ना, काफी बड़ा होता है, मतलब ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे तीन ही डॉट हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर जो है होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के जंक्शन को हम क्या कहेंगे, एनपी जंक्शन कहेंगे, और यहाँ पे जो इंटरफेस बनता है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेस। यही क्या होता है, सेमीकंडक्टर इंटरफेस। अब सेमीकंडक्टर इंटरफेस क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग एरिया होता है ये, कुछ रेंज बहुत ही छोटा सा एक पतली फिल्म की तरह होता है, और यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, रिएक्शन होता है, मतलब ये इंटरफेस काम करता है। अब इस इंटरफेस को हम समझना चाहें तो, जैसा हम वहाँ पे पहले कुछ मॉडल हमने देखा था, स्टर्न मॉडल या फिर हॉफमैन का मॉडल, है ना, तो उन मॉडल के आधार पे इसको भी समझा जा सकता है। इसके लिए भी अगर हम सबसे पहले तो इसमें हम देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों इंटरफेस के बीच, अब ऑपोजिट साइड, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया इलेक्ट्रॉन और होल आपस में फ्यूज कर गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और फ्यूज आपस में फ्यूज कर गए हैं, और इसको हम क्या करते हैं, जब एन टाइप एन साइड को और पी साइड को क्या करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। सर्किट बना के बीच में क्या बना देते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डाल देते हैं, पोटेंशियोमीटर डाल देते हैं, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पे आपको बताने लगता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से है, इस इंटरफेस की वजह से है, ठीक है। अगर ये इंटरफेस नहीं होता तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता या नहीं होता, है ना, ऐसा भी कह सकते हो। अगर दोनों बराबर मात्रा में है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे चूंकि इंटरफेस है, एनपी इंटरफेस है, या फिर कह सकते हो सेमीकंडक्टर इंटरफेस है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है। और इस तरह से और भी जंक्शन बना सकते हो आप, जैसे एनपीएन, एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसका कंडीशन भी कुछ ऐसा ही होगा, है ना। वहां पे क्या होगा, वहां पे दो इंटरफेस बन जाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्या है, क्या होगा, तो एनपीएन जंक्शन की बात करें तो क्या होगा, यहां पे जरा सा देख लेते हैं, एक सेकेंड जी। एनपीएन जंक्शन में क्या होगा, या पीएनपी ले लेते हैं, तो यहां पे जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये क्या कहलाएगा, यहाँ का सेमीकंडक्टर इंटरफेस, ठीक है। इस फेस में क्या होंगे, जो पहले मैकेनिज्म मैंने बताया है वही होगा यहाँ पे, है ना। एन साइड से इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी साइड से होल आएगा, और यहाँ पे क्या कर जाएंगे, एक लेयर बना देंगे। इसी टाइप से यहाँ पे भी क्या होगा, एन साइड से इलेक्ट्रॉन, पी साइड से होल, क्या करेंगे, एक लेयर बना देंगे। ये क्या बन जाएगा, एन पी एन पी जंक्शन, ठीक है। और दोनों ओर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। बीच में क्या होगा, नेगेटिव एरिया होगा। तो यहाँ से भी हम क्या निकालते हैं, सर्किट निकालते हैं। तो इसका अलग अलग जगह यूज है, ये एनपी ट्रांजिस्टर है और ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इस टाइप से एनपीएन ट्रांजिस्टर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर अलग अलग सेमीकंडक्टर को लेके क्या बनाया जा सकता है, ट्रांजिस्टर का फॉर्म करते हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है वो कई जगह यूज होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी भी हम बटलर वोल्मर इक्वेशन से निकाल सकते हैं, है ना, कि इस ट्रांजिस्टर में करंट डेंसिटी कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला सेम है, आई इज इक्वल टू आई नॉट और एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ईटा एफ अपॉन आर टी माइनस ई वन माइनस अल्फा ईटा एफ अपॉन आर टी। ये बटलर वोल्मर इक्वेशन है। बटलर वोल्मर इक्वेशन का वीडियो जो है आ चुका है, आप उसको जाके देख लीजिए करंट डेंसिटी कैसे निकालते हैं, होता क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है। एन टाइप में आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसका जो बैंड होगा वो क्या होगा, कंडक्टर बैंड होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, ठीक है, इतना सही है। अब यहाँ पी बैंड की बात करते हैं या पी ट्रांजिस्टर या पी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर नहीं कहा जा सकता, ट्रांजिस्टर दोनों को जोड़ने के बाद बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ होल, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, होल है मतलब यहाँ पे क्या होगा, नेचर इसका पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस बॉन्ड होगा, बैलेंस बॉन्ड बैंड होगा, बैलेंस बॉन्ड या वैकेंट बैंड होगा, वैकेंट बैंड कह सकते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्रुप फोर में हम, जैसे ग्रुप फोर में क्या क्या है, कार्बन सिलिका जर्मेनियम इत्यादि है, तो इसमें डोपिंग के थ्रू हम क्या मिलाते हैं, अगर एन टाइप बनाना है तो पांच संयोजकता वाला मिलाते हैं, ठीक है, पांच संयोजकता वाला फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ये सब मिलाएंगे। अगर हमको पी टाइप बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन संयोजकता वाला मिलाएंगे, बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम इत्यादि को मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनेगा, हमारा ट्रांजिस्टर जो है सेमीकंडक्टर जो है तैयार होगा, और जब हम इसको मिलाएंगे तो इंटरफेस जो होगा होगा वो तैयार होगा। तो ओवरऑल सेमीकंडक्टर इंटरफेस से हमने क्या सीखा कि ऐसा ऐसा सरफेस जो सेमीकंडक्टर के बीच में फॉर्म होता है, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इंटरफेस की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा मान के चलो एन, और ये हो जाएगा आपका P, तो इनके बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ये सीधा सीधा इसको हम स्लाइटली दिखाएं कुछ इस तरह से, तो जैसे जैसे N से P की तरफ जाएंगे चार्ज डेंसिटी का मान क्या होता जाएगा, घटते जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब P तक पहुँच जाएंगे मतलब इस पूरा सरफेस में क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है बनता है, ये तो हो गया ग्राफ। तो मैं ग्राफ भी कई ठो अपलोड किया हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं इंटरफेस वाला ग्राफ में, एक आध ग्राफ को यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो में अगर नए हो तो आप जो है ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा नाम से ही है, ठीक है। यह टेलीग्राम ग्रुप का नेम है, आप सर्च करोगे आ जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, जो कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी कारगर है। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वहाँ पे आप बता सकते हैं। तो वीडियो में पूरा बनने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का, और धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।